चलो जी, गुड इवनिंग। लास्ट हमारी रेशियो कौन सी हुई है? टर्नओवर रेशियोज चल रही है, तो टर्नओवर रेशियोज में पहली क्या थी? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हमने सीखा था? याद है किसी को इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, कॉस्ट का मतलब होता था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो आपका सामान आपने जो बेचा है उसकी कॉस्ट कितने की है, ठीक है, वो चीज थी, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरीज। ये वाली रेशियोज में मैंने आपको बताया था नीचे एवरेज ही चीज आनी है, और एवरेज कौन सी? जो रेशियो का नेम होगा। अभी मैंने ना पिछली वाली जो रेशियो हमारी खत्म हुई है इन्वेंटरी, उसके ना कुछ क्वेश्चंस है एक्स वाले। अभी मैं क्यों नहीं करवा रहा, अभी पहले एक बार के लिए मैं आपको सारी रेशियोज जल्दी जल्दी खत्म करवा रहा हूँ, हर क्लास में एक रेशियो करके ना, तो उसके क्वेश्चंस थोड़े से ऐसे हैं, अगर मैंने नहीं करवाए तो आपसे अभी सोल्व नहीं होंगे। तो एक बार के लिए रेशियोज खत्म हो जाएंगे, मिक्स रिवीजन में मैं आपको वो भी करवाता चला जाऊंगा। तो अभी हम नेक्स्ट रेशियो पे मूव कर रहे हैं, थर्ड कैटेगरी की सेकंड रेशियो। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है? लिक्विडिटी रेशियोज। उसके अंदर कौन कौन सी थी? करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड कौन सी रेशियोज होती है? सोलवेंसी। पहली डेट इक्विटी, दूसरी टोटल एसेट्स टू डेट, तीसरी प्रोप्राइटरी, फोर्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। और उसके बाद थर्ड रेशियो हुई थी हमारी एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज का दूसरा नेम टर्नओवर रेशियोज। इसके अंदर पहली क्या थी? इन्वेंट्री या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और साथ साथ आप इसका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकालते थे, जिसका फॉर्मूला होता था 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब सेकंड हम कर रहे हैं थर्ड कैटेगरी की सेकंड रेशियो। थर्ड कैटेगरी की सेकंड रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो। लिखो ट्रेड रिसीवेबल, इसी को हम डेटर्स रेशियो भी बोलते हैं, केवल डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेटर टर्नओवर रेशियो। सारी रेशियोज के जो सबसे टेक्निकल क्वेश्चंस है ना, वो इस रेशियो के अंदर है, या इस रेशियो में आएंगे या फिर जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में है। तो आप मेन मान के चलो आज वाली जो रेशियो है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले नहीं लगेंगे, ठीक है, कुछ एक्स वाली चीजें भी लग सकती हैं या कुछ परसेंटेज वाली भी चीजें भी। तो इसके साइड पे आप लिख देना कॉम्प्लिकेटेड या फिर टेक्निकल। सारे पूरे रेशियोज में से सबसे टेक्निकल क्वेश्चंस इसी रेशियो में आने वाले हैं, तो ध्यान से देखना इसका फॉर्मूला क्या है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जब आप फॉर्मूले यहां पे लिख रहे हो ना, नोट्स बना रहे हो, तब फुल फॉर्म पूरी लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं अप्लाई करनी तब। और ये आपको पता है ना कहां पे करने हैं? इलस्ट्रेशंस में नहीं करने, जो आपके पास नोट्स के लिए पेजेस छोड़े हुए थे ये वहां पे। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये तो एक तरह से थोड़ा सा फैंसी नाम हो गया, अल्टीमेटली ये होती क्या है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको ब्रैकेट में लिखो, दैट इज क्रेडिट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल, यानी कि सेल ऑफ गुड्स, और क्रेडिट मतलब क्रेडिट सेल्स हो गई। डिवाइड, डिवाइड मैंने आपको बोला था ना, ये वाली रेशियोज जो भी होंगी उसका एवरेज निकाल लेना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नीचे हमेशा क्या आने वाला है इस वाली रेशियोज में? एवरेज। और कौन सी एवरेज? जो रेशियो का नेम है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। डाल दो इसको डिब्बे में, और इसके नीचे लिखो आंसर इन टाइम्स। जो इसका आंसर निकलेगा इन टाइम्स, ये रेशियो ना क्या डिक्टेट करती है कि आप अपने डेटर्स को, डेटर्स को हम ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं, डेटर्स को हम बिल्स रिसीवेबल भी बोल सकते हो आप डेटर्स को। इसका मतलब है क्या कि आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मान के चल रहा हूँ आपकी ना क्रेडिट सेल चल रही है 2000 रुपये, 2 लाख रुपए, क्रेडिट सेल 2 लाख रुपए आपके ना। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली इतना तो आपने उधार दिया ही होता है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं कहूँ ना 50,000, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 times। तो इसका मतलब है जितने भी आपके डेटर्स है ना, उसका 4 गुना आपकी क्रेडिट सेल्स रहती है, जितने भी आपके जनरली डेटर्स हैं। क्रेडिट सेल्स में नहीं लिखवा रहा क्या होता है? अगर मैं कहूं टोटल सेल दी हुई है 100 रुपीज,
टोटल सेल है 100 रुपीज और कैश सेल है 65, तो क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी? टोटल में से कैश माइनस कर दो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे घुमा के डाल सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, ट्रेड रिसीवेबल के दो पार्ट होते हैं, बिल रिसीवेबल और डेटर्स। अगर ये दोनों चीजें दी हुई है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से, बच्चों को बड़ा डाउट आता है इसमें, तो मैंने सिर्फ एक ब्रैकेट की हेल्प लेके ना वो डाउट सोल्व हो जाता है। ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, डिवाइड कितने से करूं? आइटम्स तो मैंने चार लिखी फोर हैं। ब्रैकेट में क्वेश्चन ब्रैकेट यूज नहीं करता, ये तो मैंने अपने लिए यूज की हुई है। फॉर्मूलेज या क्वेश्चन ब्रैकेट यूज नहीं करते। हमने हमेशा एवरेज निकालने के लिए ये सीखा होता है कि जितने भी आइटम्स होती हैं, अगर आप उसको प्लस कर रहे हो तो डिवाइड उतनी आइटम से करते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला कह रहा है कि आपको डिवाइड करना है दो से। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, सिंपल। बस वो ये डिक्टेट कर रहे हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग की एवरेज लेनी है आपने। चाहे ओपनिंग में यहाँ पे डेटर और बीआर ले लिया, चाहे इसके साथ आप तीसरी या चौथी कोई और चीज भी ले लो, लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप चारों को ऐड कर देते हो। अब अगर मैं बोलता हूं देखो हमने किया तो चारों को ऐड है ना, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर को ऐड कर दिया है, या फिर ओपनिंग डेटर या ओपनिंग बीआर को ऐड कर दिया है। ओपनिंग की दोनों आइटम ऐड कर दी, देखना ओपनिंग की दोनों आइटम्स ऐड की हैं कि नहीं, क्लोजिंग की भी दोनों आइटम्स ऐड कर दी हैं, तो देखा जाए तो चारों का टोटल नहीं कर दिया। तो डिवाइड तो चार से करना चाहिए था, लेकिन आपको यहां पे क्या समझना पड़ेगा कि ओपनिंग जो है वो एक आइटम है, क्लोजिंग वो है चाहे दूसरी आइटम, चाहे उसमें डबल डबल चीजें आ रही हैं। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको हमेशा ऐसे लेना है डिवाइड बाय टू करके। अब इसके नीचे लिखो ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स एंड बीआर। डेटर्स एंड बीआर को ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है। इसको ना ट्रेड रिसीवेबल को आप लिखो नोट नंबर वन, नोट नंबर वन, और उसके बाद है नोट नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग डेटर्स या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स। कई बार ना आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन घुमा के दी होती है, ओपनिंग की इंफॉर्मेशन तो वो दे देंगे, ओपनिंग डेटर्स इतने हैं, लेकिन क्लोजिंग डेटर्स नहीं देते, तो वो हमें कैसे निकालनी है? मैं एक बार के लिए डेटर्स को एज्यूम करके चल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग डेटर्स है हमारे पास इतने। आपको पता है मेरे डेटर्स इंक्रीज कैसे होते हैं? डेटर्स का मतलब होता है जिसको हमने उधार पे सामान बेचा हो। डेटर्स का सिंपल मतलब अगर आप बिल्कुल मतलब लेमैन लैंग्वेज में बोले ना, डेटर्स का मतलब होता है हमारे ग्राहक, कस्टमर। कौन से कस्टमर? जिनको आपने उधार सामान बेचा है, जिनको आपने कैश में सामान बेचा है, वो आपके डेटर्स नहीं होते। ठीक है, तो ओपनिंग डेटर्स है हमारे पास जितने भी। मेरे को अब बताओ मेरे डेटर्स इंक्रीज कैसे हो सकते हैं या डिक्रीज कैसे हो सकते हैं? क्रेडिट सेल कर दो। क्रेडिट सेल कर दो, चलो जी कर दो क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल करने से डेटर बढ़ रहे हैं या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, तो कर दो ऐड क्रेडिट सेल्स। और बताओ, आपसे पूछना चाहता हूं मैं नहीं, अब क्या करना है? बढ़ाना है, घटाना है? कुछ भी, चाहे ऐड वाले बताओ चाहे लेस वाले बताओ। क्रेडिट सेल बेचना बंद कर दो, क्रेडिट सेल बेचना बंद कर दो, फिर कुछ भी नहीं मतलब होएगा। कैश पे बेचो बस। हाँ तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना डेटर्स का। क्यों, ये बढ़ेंगे हाँ तो फिर नहीं बढ़ रहे तो खड़े हैं हम, तो वो बताओ ना, या इम्प्रूव हो रहे हो या डिप्रूव हो रहे हो। ना, पैसे भेजेंगे। हाँ अब बोली ना बात, ऐसे हंसते हंसते आंसर देते चले जाया करो। लेस कर दो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स,
हार्दिक का माइंड पर चलता दुकानदारी वाला ही है पूरा, बिजनेस वाला। सीखो ना फिर, काम तो यही चीज आनी है। अकाउंटेंट मुनीम बनने वाले हो आप 1 साल के बाद, बस 2 महीनों के बाद आप मुनीम तो बन जाओगे। क्या सीख रहे हो? मुनीम गिरी तो सीख रहे हो, अकाउंटेंट करना पड़ रहा है। ओ देखना फिर 1-2 सालों के बाद आपको पता चलेगा ये चीजें, तो आपको टिप्स पे होंगी ना। जब अच्छा ऐसे बनते हैं खाते, कल को बिजनेस करोगे, धंधा करोगे, ये चीजें तो आनी चाहिए। टर्म्स क्या है? हाँ पूछो। अच्छा उसके बाद सब कुछ होता है भाई साहब, इधर 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 मेरी तरफ सुनो, सब कुछ होता है। अच्छा आगे तो बताओ फिर, और डेटर इंक्रीज डिक्रीज और कैसे हो सकते हैं? एक तो मेरे पास ओपनिंग थे और मैंने सेल कर दी। फिगर्स ले लेते हैं, फिगर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 थे, 2000 रुपए की मैंने और सेल कर दी, 1800 रुपए ये मेरे को दे के चला गया। क्लोजिंग तक तो पहुंचना है मेरे गुरु। हाँ ये बात करी, बैड डेट्स तो लेस कर दो, बैड डेट्स कुछ पैसे देना, मतलब मुकर गए वो लोग, बैड डेट्स भी माइनस कर दो। समझ लो बैड डेट्स आपके थे 150 रुपए के, 150 रुपए मर गया हमारा बस। हाँ हाँ अभी उसको मैं 1 करोड़ कर दूं क्या? बस तो ऐसे बोल रहे थे फाइन सबका। हाँ, यार, बात गए। आगे जी आगे, बस बस ये बातें नहीं, इधर जल्दी क्वेश्चन भी बहुत सारे करने हैं। और बताओ अभी 2-3 चीजें और भी आ सकती हैं। वैभव जी सोच लो थोड़ा सा, एडवांस से रिलेटेड नहीं, मतलब एडवांस फ्रॉम डेटर्स हो सकता है वैसे, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे इतने ज्यादा नहीं आते। थोड़ा और अगर हमने किसी डेटर्स को डिस्काउंट दे दी जब हमें पैसे देने आ रहा है, समझ लो मैंने किसी से 100 रुपए लेने थे, मैंने कहा 95 दे दे, 5 रुपए माफ है, तो टोटल नहीं नहीं वो चीज नहीं, डेटर्स का फर्क नहीं है। तो एक माइनस आप और करो, डिस्काउंट टू डेटर्स। हाँ बिल्कुल, डिस्काउंट टू डेटर्स फॉर एग्जाम्पल 30 रुपए माइनस कर दो प्रोविजन जो आप बोल रहे हो, प्रोविजन भी बन सकता है, बिल्कुल ठीक है प्रोविजन, या फिर क्या बोला था आपने, रिटर्न, गुड्स रिटर्न यानी कि सेल रिटर्न वगैरह हो गई, तो ये भी आप माइनस कर दो। वैसे ना टेक्निकली रिटर्न वाला पॉइंट आएगा नहीं, क्योंकि आप सेल में से माइनस कर देंगे उसको, हम तो डेटर का बैलेंस वो लिखते हैं जो बच गया, ठीक है। रिटर्न वाला भी आप माइनस कर सकते हो 20 रुपए, ये लिख लिया बैड डेट्स। अगर उसका चलो तो ये अब जो आपके पास निकल अब ये जो निकल के आया, क्लोजिंग डेटर्स बताओगे कितने के आए? ओ बस भाई ये तो जान जान के आपको छेड़ रहा है, आप छेड़ रहे हो। इसका आंसर बताओ अब। 1000 ही आ जाएगा, रुक जो यार, फिर इसको 200 कर दो, 800 क्या यार 800 का आएगा, 820 आएगा। आप लिखने लग गए, नलायक पार्टी बैठी है हमारे साथ, 820 ही आएगा, पहले 1000 आ रहा था ये पक्का है, फिर 180 रुपए का फर्क पड़ा ना, मेरे को योगेश से यही उम्मीद थी, वो पूरा 200 ही माइनस कर देगा। अच्छा अब इसके बाद क्लोजिंग डेटर निकल के आ गए, अब निकालो एवरेज डेटर्स। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो नहीं है कि डिवाइड बाय 1 कर देंगे, 1000 प्लस 820, 180, 90 रुपए का फर्क पड़ जाएगा, ये लो जी 910 रुपए। डन। ये कौन सा था? नोट नंबर 2। इसके बाद लिखो नोट नंबर 3। ये चीज नहीं, अब मेरे हिसाब से समझ आएगी। अब आपको आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि ये चीज समझ नहीं आएगी, जितनी मर्जी क्लास है ये बोलता था कि चैलेंजिंग है, आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ ये चीज नहीं समझ आएगी, अब लगाना अपना दिमाग, लिखना तो पड़ेगा, वही तो कह रहा हूं लिख लो सिर्फ। इफ ग्रोस प्रॉफिट इज, अगर ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन आरएफओ,
दैट इज वन फिफ्थ ऑन सेल्स इक्वल टू कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ. निकाल सकते हो ये चीज आप. हाँ कितने निकलेगा मैं यही तो कह रहा हूँ. लगाना एक बार कुछ दिमाग लगाना क्या बनेगा आंसर. मैं दो ऑप्शंस दे देता हूँ. अमाउंट दे दूँ. चलो ऐसे कर लेते हैं. सेल्स की अपन अमाउंट ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 100 ही ले लो सबसे इजी वाली. अभी ग्रोस प्रॉफिट निकाल के दिखाओ. कॉस्ट देखो प्रॉफिट अपन किसके ऊपर निकालते हैं. सेल्स के ऊपर ना. लेकिन कॉस्ट के ऊपर भी तो निकल ही सकता है. मैंने 80 रुपए का सामान खरीदा 100 रुपए का बेचा 20 रुपए प्रॉफिट हुआ. अगर मैं 20 रुपए 80 रुपए के ऊपर निकालूंगा तो 25% आएगा. 20 रुपए अगर मैं 100 रुपए के ऊपर निकालूंगा तो 20% आएगा. हाँ चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं. इसका सॉल्यूशन हाँ 20 रुपए आएगा. कॉस्ट के ऊपर कितनी परसेंटेज बनी फिर. बड़ा इजी है वैसे. बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था. अब जैसे 20% मैंने तो सेल का 20% कमाया ना. कॉस्ट का कितने परसेंट कमाया होगा. एक आंसर आया 25%. 4% तो नहीं. सॉल्यूशन करके देखते हैं. हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है देखना एक बार के लिए. हमें सेल्स दी हुई है ना. ठीक है तो फॉर एग्जांपल जो भी चीज आपको दी हुई उसको ले लो. सेल्स जो है मेरी है 100 रुपए और मैंने प्रॉफिट कितना कमाया 1/5 ऑन द सेल्स. तो 100 रुपए का 1/5 कितना होता है 20 रुपीज ना. सेल में 20 रुपीज माइनस करूं या ऐड करूं कि कॉस्ट आ जाएगी. सेल में से तो कॉस्ट माइनस करते हो ना. सॉरी माइनस करेंगे प्रॉफिट. तो ग्रोस प्रॉफिट है 100 का 1/5 यानी कि 20 रुपीज. तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी याद रखना. कॉस्ट प्लस ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है. बड़ी नॉर्मल सी चीज है. जितने का अपने सामान खरीदा थोड़ा सा मार्जिन लगा देंगे इज इक्वल टू सेल प्राइस. अब 80 रुपए कॉस्ट आ गई ना. अब परसेंटेज निकाल लो. परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे. जीपी डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंटू 100. मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे को ग्रोस प्रॉफिट निकाल के दिखाओ कॉस्ट के ऊपर. तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट है 20 रुपीज वो तो सेम रहेगा. कॉस्ट है 80 रुपए इंटू कर दो 100 तो ये कितना आ जाएगा 25%. 25% को मैं क्या लिखूंगा अगर मैं 25 डिवाइड बाय 100 कर दूं 1/4. आंसर आपका ये होता है 1/4 ऑन कॉस्ट. ये मैं आपको वैसे नहीं करा रहा. आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं. आपको क्वेश्चन में बोलेंगे 1/4 ऑन कॉस्ट है आपका प्रॉफिट. सेल के ऊपर निकालो. ये नोट डाउन कर लो. एक ट्रिक बताता हूँ फिर आपको कहोगे करवाया ही क्यों था. बड़ी मजेदार ट्रिक आने वाली है. बताता हूँ एक बार लिख लो. कोई भी ये 1/4 या 1/5 आ जाए ना. पहले मेरे को बताओ सेल बड़ी अमाउंट होती है या कॉस्ट. ऑब्वियस है कॉस्ट में थोड़ा मार्जिन ऐड करेंगे ग्रोस प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी तो बेचेंगे. दुकान इसीलिए तो खोली हुई है. अब आंसर इस क्वेश्चन में 1/4 ऑन कॉस्ट आया है और 1/5 ऑन सेल था. जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए ना अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन में ना निकालना आए क्योंकि रेशियो के क्वेश्चन में आएगा सिर्फ 3 नंबर में ये वाली चीज. तो बस आप ये याद रख लेना. सिर्फ एक चीज याद रख लेना. सेल ज्यादा होती है ना तो नीचे डिवाइड ज्यादा होने वाला है. अगर मैं कहूंगा 1/6 ऑन कॉस्ट है ना तो 1/7 ऑन सेल्स निकलेगा. अगर 1/10 ऑन सेल्स है तो 1/9 ऑन कॉस्ट निकलने वाला है. हाँ यार देखो मैंने लॉजिक करवाया आपको बिल्कुल सोल्व करके. मैंने यहाँ पे अब आपको ना मैंने आपको ये बताया था 1/5 ऑन द सेल है 100 रुपए. क्या चीज भाई साहब. ये नहीं आएगा 3 नंबर का. 3 सिर्फ एक कैलकुलेशन आएगी. बाकी कॉस्ट दी होगी. क्वेश्चन तो सोल्व करना पड़ेगा ना. अगर आपने परसेंटेज गलत लगा दी क्वेश्चन नहीं सोल्व होता.
तो बाय चांस अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, जब डेटा आपके सामने आएगा थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। ये सिर्फ मैंने आपको एक महामंत्र बताया है, अगर 1/4 ऑन कॉस्ट हुआ ना तो 1/5 ऑन सेल होगा। देखो एक और सोल्व करवा के देखता हूँ एग्जाम्पल। अब वहां पे आ जाओ इलुस्ट्रेशन वाली जगह पे, बस एक डेटा लेके देख रहा हूं फिर हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखो इलुस्ट्रेशन, लिखो कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 6,000 रुपए, जीपी इज इक्वल टू 1/3 ऑन कॉस्ट, जीपी इज 1/3 ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट जीपी ऑन सेल्स 1/4। देखो निकलती है, वैसे निकालनी आती है अब नहीं निकाल पाओगे, सेम फॉर्मूला नहीं लगने वाला, याद मत कर लेना। जो भी चीज दी हो ना यहाँ पे देखो एक बार के लिए, 1/3 ऑन कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट को 100 मानना होता है आपने, या जो भी है। अब पहले हम जीपी देख लेते हैं, जीपी कितना आएगा 2,000 रुपए, ग्रोस प्रॉफिट 2,000 आएगा ना, कैसे 6,000 रुपए थे उसका 1/3, तो 2,000 रुपए आ गया हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट निकल आई, अब क्या निकल सकता है, सेल्स। सेल्स कितनी आएगी, 2,000 प्लस 6,000 8,000, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है ना। 6,000 का सामान खरीदा, 2,000 रुपए मैंने मुनाफा डाला, 8,000 का कस्टमर को चिपका दिया, तो 8,000 का बिक गया, सेल्स हो गई। अब ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे, सेल्स के ऊपर कितना निकलता है, 2,000 डिवाइडेड बाई 8,000, ये लो जी आ गया 1/4 ऑन सेल्स। अब ये मत कहना कि 8-10 और सोल्व करवा दो जी, अब अपने आप सोल्व कर लेना घर पे, जो भी है महामंत्र मैंने बता दिया। अगर सेल के ऊपर निकालना हो तो 1/4 ऑन सेल निकल आएगा, कॉस्ट के ऊपर निकालना हो तो 1/3। अगर सिर्फ ही पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसके चांसेस कम है कि कॉस्ट इतनी है, ग्रोस प्रॉफिट इसके ऊपर है, तो जिसके ऊपर भी दिया होगा ना 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट को लेके प्रॉफिट ऐड कर देना, अगर 1/4 ऑन सेल है तो उसमें से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर देना, मतलब आपने तीनों फिगर्स पे पहुंचना है। अब आ जाओ इलुस्ट्रेशन नंबर 68 पे, रुक जाओ, फॉर्मूले में हमने वो नहीं लिखा ना, एवरेज होल्डिंग, एवरेज पेमेंट पीरियड, लिखना फॉर्मूले में, लिखना लिखो एवरेज कलेक्शन पीरियड। हार्दिक जी थोड़ा सा शांति का दान बख्शो, एवरेज योगेश, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 365 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियोज में चारों रेशियोज में निकालना पड़ता है ये चीज, एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इतने दिनों के लिए ना, अगर यहाँ पे बाय चांस 30 डेज निकल के आई, तो 30 डेज का मतलब होता है इतने दिनों के लिए आपका पैसा ब्लॉक है, मतलब आपने ऑन एन एवरेज उधार दे के रखी है 30 दिनों के लिए। तो देखा जाए एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, जितनी कम हो उतना अच्छा है या जितना ज्यादा हो, जितनी कम हो, क्योंकि आपका उधार पीरियड फिर कम से कम रहेगा। क्यों राजपुरा वाले बंदे इंटरेस्ट नहीं देते ना, सोच के चलो इंटरेस्ट फ्री चीज है, इंटरेस्ट फ्री चीज है, फिर तो हम एक दिन का भी ना दे है ना, तो मतलब जितना कम पीरियड होता है कलेक्शन पीरियड उतना हमारे लिए बेटर है। इलस्ट्रेशन नंबर 70 नहीं इलस्ट्रेशन नंबर 68, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 2,00,000 रुपए, इलस्ट्रेशन 68 पेज नंबर 5.61। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि टोटल सेल है 2,00,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिला नहीं,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? हम आपको दो दिन का टाइम दे, क्वेश्चन ढूंढोगे। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 40,000, ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगिनिंग, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। निकालने क्या है ऊपर देखो, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब अभी ना आप लोगों ने मुझसे एक डाउट नहीं पूछा कि जो फॉर्मूला है उसमें हमने सिर्फ क्रेडिट सेल क्यों ली थी। अभी अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा है डेटर टर्नओवर रेशियो का, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि सिर्फ डेटर्स का पीरियड निकाल रहे हैं ना, तो डेटर्स को हमेशा क्रेडिट सेल जाती है। जिसको हमने कैश सेल दे दी वो तो हमने कैश बुक में एंट्री कर देते हैं, तो डेटर तो बनता ही नहीं। इसलिए सिर्फ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कितनी बनेगी क्रेडिट रेवेन्यू? 1,60,000। और ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगिनिंग दिए हुए हैं, एट द एंड दिए हुए हैं, तो इनकी निकालो ऑन एन एवरेज 40,000। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 40,000 फोर टाइम्स। देखना आंसर एक बार के लिए, फोर टाइम्स नहीं नहीं करना नहीं है। अब एक बार के लिए ना जो रेशियो दी हुई थी ना ऊपर उसको पढ़वा रहा हूं मैं। देखो, दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड द डेटर्स एंड बीआरई हमने लिख लिया है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आर कैलकुलेटेड दिस व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस पीरियड। ये आपने पढ़नी है 2-3 लाइनें। जिनका तो वाइवा हो चुका है वो तो हो जाओ रिलैक्स, जिनका वाइवा होना है ना आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। ये जो मैंने 4 लाइंस मार्क करवाई है ना, ये 3 या 4 लाइंस, ये आपसे पूछेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो होती क्या है। दिस रेशियो इंडिकेट द स्पीड विद विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, हायर द रेशियो बेटर इट इज। कह रहे हैं रेशियो तो बेटर है। सोच के देखो, अभी हमारी 4 टाइम्स आई है ना, इसका मतलब है आप उसका मतलब है आपको 4 बार पैसा मिल रहा है। ये रेशियो जितनी ज्यादा घूमेगी उतना आपके लिए बेटर है ना। 4 अगर आपके पास रेशियो वही है 4, और जब आप एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालोगे 365 डेज डिवाइडेड बाय 4 तो क्या आंसर आएगा। और अगर ये रेशियो आपकी ज्यादा है 365 डेज डिवाइड बाय 8 तो आंसर कम आएगा ना। तो मतलब आपको उतने टाइम में जल्दी जल्दी पैसा मतलब मिल जाता है। तो कह रहे हैं हायर द रेशियो बेटर इट इज, सिंस इट इंडिकेट्स दैट अमाउंट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल इज बीइंग कलेक्टेड मोर क्विकली। द मोर क्विकली द ट्रेड रिसीवेबल पे द लेस द रिस्क फ्रॉम बैड डेट्स एंड सो द लोअर द एक्सपेंसेस ऑफ कलेक्शन। तो बस आपको ये रखना है कि जितनी रेशियो ये हायर होगी उतनी आपके लिए बेटर है। अब करेंगे कॉपी पे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 69। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है। एक बार के लिए खुद ट्राई करो, देखो आपसे क्रेडिट रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन निकलती है। आंसर्स हाइड कर लेना, देखो कैसे निकलेगी। दी नहीं हुई ना कैश, हाँ निकाल के दिखाओ मेरे को कॉपी पे, देखे पहली बार में आंसर आता है कि दूसरी बार में आएगा। 1,80,000 क्या चीज, हाँ निकालो कैसे निकालिए दिखाओ मेरे को। 20% करा उसका, 2,25,000 का जो अमाउंट आया उसको 2,25,000 माइनस टोटल रेवेन्यू कितनी दी हुई है 2,25,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 20% ऑफ टोटल। तो टोटल है 2,25,000, तो उसका 20% कितना होता है 45,000, तो वो कैश रेवेन्यू है। तो क्रेडिट रेवेन्यू कितनी आ जाएगी, 2,25,000 माइनस 45,000, तो कितना आ जाएगा 1,80,000। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे पढ़ो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स, तो ये रिटर्न भी तो दी हुई है ना, सेल रिटर्न। तो 1,80,000 में से ये 20,000 भी माइनस करोगे
तो आंसर आएगा 1,60,000। योगेश जी रिटर्न भी देखना था ना अगला टॉपिक, तो क्रेडिट सेल जो आपने बोली वो इनकम्प्लीट थी। क्वेश्चन में अगर बैड डेट्स हैं या कुछ वो है आपके पास सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न भी माइनस करोगे। सुजल कितनी आई है सेल रिटर्न? 20,000। और क्रेडिट सेल्स 1,60,000। और एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 10,000। तो आंसर क्या आएगा? 16 times। और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना वैभव, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालो, 365 डिवाइडेड बाय 16। गलत है, 23 निकालो, 22.8 आ रहा है। 22 दिन है ना, अब ये तो नहीं कह सकते कि 22.8 365 डिवाइडेड बाय 16, नहीं यार 22.8 आ रहा है, 22.8। तो 23 डे, देखो जो इसका आंसर निकल के आ रहा है, आंसर निकल के आ रहा है 22.81 डेज। अब ये थोड़ी कह सकते हैं 22 दिन पूरे और अगले 8 बजे तक, है ना। तो आपने नहीं लिख सकते, तो आपने लिखना है 23 डेज। हार्दिक इस 23 डेज का मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है? ये 23 दिन के अंदर अंदर नहीं आ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा 23 दिन के बाद आ जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। 23 दिन का आप ऑन एन एवरेज उधार दे के चलते हो, मतलब अगर आपने आज सेल किया ना 1 तारीख को, तो आपको 24 तारीख को पैसे मिलते हैं। मतलब 23 दिन के लिए आपका पैसा ब्लॉक है या 23 दिन के आप उधार दे रहे हो? अगर लेट हो गए, ये पक्का होता है, ये ऑन एन एवरेज है। हमने जो लगाया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को डिवाइड किया था ना, कोई बंदा हमें 5 दिन के अंदर भी पैसे दे देता है, कोई हमारा जो डेटर है 5 दिन के अंदर भी पैसा दे देता है, कोई डेटर है 3 महीने के अंदर भी देता है, कोई 1 महीने के अंदर भी। तो हमने टोटल कर लिया सारे डेटर्स का या ऑन एन एवरेज, तो ऑन एन एवरेज आपको 23 दिन आप सारे कस्टमर को उधार दे के चल रहे होते हो। पढ़ के देखना, ये समझ आ रही है ये 3 लाइने, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये जो 3 लाइन दी हुई है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो कमेंट में। वैभव जी तुसी भी करना है, पढ़ो उसको, पढ़ो, समझाओ मेरे को क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी में समझाना है। ट्रेड रिसीवेबल 23 डेज टेक टू कन्वर्ट, आपने तो समझाया भाई, वो सुन नहीं रहा था ना, वो ख्यालों में खोया था। अच्छा क्या मतलब है 23 दिन का? अभी आपने बताया कि 23 दिन के मतलब 23 दिन ऑन एन एवरेज हमारा मतलब कि उधार पे जाता है, उधार पे जाता है, ठीक है, घोड़ा जाता है। योगेश जी बस नहीं बोलना आपने, हाँ जी आप बताओ 23 दिन का मतलब दोबारा बताओ, कोई और लाइन बताओ। हाँ 23 दिन के लिए हम ऑन एन एवरेज कस्टमर को उधार देके चलते हैं, मतलब एक कस्टमर को 23 दिन का उधार देके चल रहे होते हैं, ठीक है। 23 डेज टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, इन अदर वर्ड्स क्रेडिट सेल लॉक्ड अप इन द ट्रेड रिसीवेबल फॉर 23 डेज, यानी कि उधार जो आपकी जा रही है 23 दिनों के लिए जा रही है। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 70, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 4,00,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है Being 25% of credit revenue from operations. योगेश जी पिछले क्वेश्चन को बड़ा चैलेंजिंग लेके कर रहे थे ना, ये करके दिखाओ, देखते हैं आप, आंसर छुपा दो फिर मानूंगा मैं, फाड़ देते हैं। हाँ एक काम करो, ऐसे करो, बुक नहीं मिलती जिनमें आंसर ब्लॉग, सब कुछ है टेलीग्राम पे है, सब कुछ मिल जाएगा। रेशो निकालनी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, उसमें सबसे पहले हमें चाहिए होता है क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स निकाल के दिखाओ। अभी तक ऐसे क्वेश्चन हर बार सुजल ने सोल्व किए हैं, देखते हैं इस बार हिस्ट्री बदलती है कि नहीं बदलती। वैभव को तो पहले ही आउट ऑफ वो हो गया,
वैभव जी हाथ नीचे, हाथ नीचे करो, हाँ ये वाला क्वेश्चन करो। यही पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ रहा। सॉल्यूशन पढ़ने के लिए नहीं बोला था, यही पढ़ रहा हूँ, ये ठीक है। अच्छा समझ आई है क्या दी हुई है? एक तो वो दिया है टोटल सेल्स, ठीक है, उसके बाद जो परसेंटेज दी हुई है वो उस और किसी चीज पे है, इस पे सिंपल। हाँ तो वो कैसे निकालेंगे? क्रेडिट सेल्स के ऊपर दी हुई है ना। हाँ 25% क्रेडिट सेल किया वो कैश पे, तो क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल दी नहीं हुई। हाँ नहीं एक्स एक्स वाला चक्कर नहीं है, प्रेजेंट का ही चक्कर है ये। हाँ ये प्रेजेंट का ही चक्कर है। सूजल है साइलेंट किलर, कुछ बोलेगा नहीं पर पांच भजवा देगा। 3.75 क्या आंसर? 3.75 नहीं आया, गलत है। मेरे लाल मेरे पीले, मैं तो कर ही दूंगा ना, एक बार ट्राई तो करो ना। हाथ तक ऐसे है, क्वेश्चन में दिया है टोटल सेल्स और कह रहे हैं परसेंटेज आपको किसके ऊपर निकालनी है? क्रेडिट के ऊपर। अब इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा कि अगर आपकी है, दिया क्या हुआ है, टोटल सेल आपको दी हुई है 4 लाख की, कैश सेल जो आपको दी हुई है 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन। तो अगर 100% कैश से 100% क्रेडिट सेल होगी, सोच के देखो, अगर मैं इसको ये मान लूं, जब भी कोई चीज किसी भी चीज के ऊपर परसेंटेज दी होती है ना, अब इन्होंने क्या बोला है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, ये दिया हुआ है ना डेटा। कैश सेल मेरी है 25% ऑफ, जो ये वाली चीज बोल रहा हूँ ना मैं, अब ध्यान से इधर देखो, अगले किसी और क्वेश्चन में भी काम आएगा। ऑफ जो ये आपको चीज दी होगी ना, हमेशा आपने इसको 100 मान लेना होता है। पीछे भी हमने इसी को माना था ना, जब हमने सेल मानी थी तो इसी में से ये एड लेस करके किया था। तो एक बार के लिए ये सोचो कि अगर मैं क्रेडिट सेल्स को 100 मान ले हम, हाँ, प्लस कैश सेल, कैश सेल किसका 25% है? क्रेडिट सेल का ना, तो क्रेडिट सेल 100 है तो कैश सेल आ जाएगी 25। तो देखा जाए टोटल सेल्स कितनी आ जाएगी, 125। ये अभी जो अपन निकाल रहे हैं एक तरह से परसेंटेज की फॉर्म में निकाल रहे हैं, और टोटल सेल्स अपने आप में जो क्वेश्चन में गिवन है वो दे रखी है 4 लाख। तो जो 4 लाख दिया हुआ है ना टोटल सेल, ये टोटल 125% के बराबर है, मतलब 125 के बराबर। तो इससे आप कैश सेल और क्रेडिट सेल निकाल सकते हो। कैश सेल में कैसे निकाल सकता हूं, पहले क्रेडिट सेल निकाल लेते हैं, कुछ भी निकल जाएगा। वैसे क्रेडिट सेल्स मेरी कितनी है, जो ये 4 लाख है डिवाइडेड बाय 125, क्योंकि 4 लाख 125 के बराबर है ना, क्योंकि टोटल सेल में दोनों इंक्लूड होती हैं, कैश सेल भी क्रेडिट सेल भी। क्रेडिट अगर 100 है, कैश 25 है, तो टोटल हो गया 125। इसको मल्टीप्लाई अगर कर दोगे 100 से तो वो आ जाएगी आपके पास क्रेडिट सेल, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से तो वो आ जाएगी आपके पास कैश सेल्स। निकाल के देखना, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, 5, 8, 6, 32, 3,20,000। और अगर आप 4 लाख को डिवाइड, 4 लाख है तो 125 के बराबर, अगर आप उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कैश सेल कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि आप क्रेडिट सेल कैलकुलेट कर रहे हो, तो इंटू 25 ये आ जाएगा 80,000। दूसरा तरीका सुनो, देखो ये वाला तरीका समझ में आया वैसे आपको? सुजल आ गया समझ? योगेश आपको? अब अगर मैं ये वाली लाइन को यहां पे एक बार के लिए इग्नोर कर दूं, मेरे पास क्रेडिट सेल निकल के आ गई ना 3,20,000। वैसे तो मेरे को क्रेडिट सेल ही चाहिए थी, कैश सेल और कैसे निकल सकती है? 4 लाख में से 3,20,000 माइनस कर दो मत, अगर आप इस चक्कर में पड़े, ये वाले चक्कर में ना पड़े तो टोटल में से माइनस कर दो तब भी निकल के आ जाएगी। अब निकालो आंसर, क्रेडिट सेल कितनी आ गई हमारे पास? 3,20,000। एवरेज स्टॉक बताना कितना दिया हुआ है, एवरेज डेटर्स? उसमें भी पंगे है। अच्छा अब ये भी चक्कर है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000 और क्लोजिंग मेरे को दिए हुए हैं 1 लाख। देखो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख रुपए और कह रहे हैं एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर द ओपनिंग 40,000, तो फिर 60 नहीं आंसर आ जाएगा?
नहीं वैसे अभी अपन ओपनिंग की बात करें, क्लोजिंग जो है 1 लाख है वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, तो देखा जाए फिर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने होंगे? 60,000। तो लिखो ओपनिंग 60,000, क्लोजिंग तो दिए ही हुए हैं, वो कह रहे हैं 40,000 ज्यादा है, फिर से 40,000 ऐड कर दो 1 लाख, ऑन एन एवरेज कितना बन जाएगा? अरे भाई एवरेज 80,000, तो डिवाइड कर देंगे 80,000 से, तो आंसर आ जाएगा 4। सेवेंटी वन सिर्फ बुक में से देखना, समझ में आ रहा है? टोटल ग्रोस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 11 लाख, कैश रेवेन्यू 1,65,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न 11,000, प्रोविजन 1,910। तो इन्होंने क्या माइनस किया, देखो टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर दी और सेल रिटर्न माइनस कर दी। सेल निकाल रहे हैं ना अब, डेटर्स नहीं निकाल रहे, सेल्स निकाल रहे हैं। तो टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर दो और सेल रिटर्न माइनस कर दो, तो देखो क्रेडिट सेल कितनी बन जाएगी। सुजल जी बुक में ध्यान, 9,24,000 आपके पास बन रही है एवरेज। डेटर्स देखना कैसे निकलेंगे, 5 तरह के डेटा दिए हुए हैं अब आपको। क्यों बस डेटर्स निकालने ऐड कर बस क्यों? अभी भैया ने ऊपर रन लिखवाया जो ब्रैकेट में आ गया। डेटर्स भी दिए हुए हैं, बिल रिसीवेबल भी दिए हुए हैं, तो हमने तो ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं ना। बताया तो इधर देखो, इसमें से ओपनिंग वाले कौन से हैं और क्लोजिंग वाले कौन से हैं? डेटर्स 2019 वाले ओपनिंग है, वाले 55,000 ओपनिंग, ठीक है 66 क्लोजिंग। अब देखो इन्होंने कैसे निकाला हुआ, इन्होंने चारों को ऐड कर दिया 55, 66, 11, 12, डिवाइड किया अब दो से। ये चीज मैंने आपको समझा दी थी ना, एक कॉम्पोनेंट हो गया आपका ओपनिंग, और ओपनिंग में दो चीजें हैं, बीआरबी है, डेटर्स भी हैं और क्लोजिंग, तो उसको डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज डेटर्स आ जाएंगे, मतलब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बस उसके बाद रेशियो निकल आएगी और डेज निकल आएंगे, बाकी करते हैं हम कल। ओके।